दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आपने मोबाइल फोन से पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस खाता कैसे खोलें। इस अकाउंट में आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आपने मोबाइल फोन से सिर्फ 5 मिनट में ही पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपने मोबाइल फोन से जीरो बैलेंस खाता कैसे खोलें इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्ले स्टोर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। अगर आपका पहले से ही पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो यहाँ आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ओपन योर अकाउंट नाउ, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप वही मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो आपका आधार कार्ड में लिंक है, और यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। आप यहाँ पे ओटीपी इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद आप यहां सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। अब आप यहां पे आधार नंबर की डिटेल देंगे, तो यहां पे आप आधार नंबर इंटर करेंगे और यहां पे आप री एंटर करेंगे आधार नंबर। आधार नंबर इंटर करने के बाद आप यहां बॉक्स पे टिक कर देंगे और यहां पर भी आप बॉक्स पे टिक करेंगे, कंसेंट देंगे। अब आप नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। आप यहां पे ओटीपी इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट करने हैं यहाँ पे वो सभी स्टेप्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल देनी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। आपके आधार कार्ड से यहाँ पे पर्सनल डिटेल फैच हो जाएगी, तो यहाँ आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। और यहाँ पे आप मदर मेडन नेम इंटर करेंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ नेम इंटर करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इसको छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे आप मदर नेम इंटर करेंगे और यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा। आपके आधार कार्ड पे फादर नेम होगा या मदर नेम होगा यहाँ पे फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी डिटेल आधार कार्ड से। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा, और आपके पैन कार्ड पे जो भी नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आप नीचे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। आपकी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल देंगे, तो यहाँ आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस डिटेल होगी यहाँ पे शो हो जाएगी, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक रहेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल सेम है तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट टिक रहेगा। अब आप नीचे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही आपकी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पैन कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे नॉमिनी डिटेल देंगे, तो यहाँ आप नॉमिनी डिटेल आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी ऐड करने के लिए आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी डिटेल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप बाद में भी नॉमिनी डिटेल ऐड कर सकते हैं, और यहाँ आप नीचे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप ऊपर यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप नॉमिनी का नेम इंटर करेंगे और यहाँ पे आप नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। आपको यहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप रिलेशनशिप आप इस पे क्लिक करेंगे। तो नॉमिनी के साथ आपका रिश्ता क्या है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप बॉक्स पे टिक करेंगे। अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ आप बॉक्स पे टिक कर देंगे। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे आप नॉमिनी की एड्रेस डिटेल फिल कर देंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और पिन कोड। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी की सारी एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है। तो जैसे कि हमारा और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो हम यहाँ बॉक्स पे टिक कर देंगे। अब आप नीचे सेव पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही आपके यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पैन कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल और नॉमिनी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल देंगे, तो यहाँ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन आपको ऐसे रहने देना है, और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मैरिटल स्टेटस बताएंगे, और यहाँ पे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक्यूपेशन टाइप आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्यूपेशन क्या है, आपका व्यवसाय क्या है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, बिजनेस, होम मेकर, पॉलिटिशियन, रिटायर्ड, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, अदर, तो जो भी आपका यहाँ पे व्यवसाय है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके व्यवसाय का नाम यहाँ पे नहीं है तो आप नीचे अदर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप ग्रॉस एनुअल इनकम आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक साल की इनकम कितनी है आप यहाँ पे इंटर करेंगे। एनुअल इनकम इंटर करने के बाद आप यहाँ पे एजुकेशन लेवल आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही नो रहने देना है। अब आप नीचे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल, नॉमिनी डिटेल और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अगर आप अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो करेंगे, और यहाँ पे मोड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आप अकाउंट की स्टेटमेंट कैसे लेना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन ईमेल के जरिए अकाउंट की स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ आप ऑनलाइन इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप पोस्टल के जरिए बाय डाक लेना चाहते हैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट तो यहाँ पे आप पोस्टल सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे ऑनलाइन ईमेल आईडी के जरिए अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे तो हम यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डीबीटी मैपिंग रिसीव डीबीटी इन आईपीबीबी अकाउंट, अगर आप सब्सिडी इस अकाउंट में रिसीव करना चाहते हैं, इस अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आई एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीबीबी अकाउंट आप इस पे टिक करेंगे, अगर आप इस अकाउंट में सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी दूसरे अकाउंट में सब्सिडी लेते हैं तो यहाँ पे नो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज डीबीटी मैपिंग आप इस पे टिक करेंगे, और यहाँ पे आप नीचे आई एग्री करेंगे तो यहाँ बॉक्स पे टिक करेंगे आई एग्री टू आईपीबीबी टर्म एंड कंडीशन। अब आप नीचे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करते ही आपकी यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको बैंकिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, तो यहाँ पे आपको टिक रहने देना है क्योंकि हम यहाँ पे तीनों सर्विस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही टिक रहने देना है, और यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल आ जाएगी, और नीचे आप स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल आ जाएगी, अगर आप इसमें कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपकी नॉमिनी डिटेल, एड्रेस इन्फॉर्मेशन डिटेल और अकाउंट इन्फॉर्मेशन डिटेल आ जाएगी, तो यहाँ पे आप इनमें भी अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो एक बार आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल चेक करने के बाद अब आप नीचे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, आप यहाँ पे ओटीपी इंटर करेंगे, ओटीपी इंटर करने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, तो आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर लिख के रख लेना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट डिटेल सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पे भी अकाउंट डिटेल सेंड कर दी जाएगी। अब आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करेंगे, आप आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग, आप यहाँ लॉग इन के आइकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आप अकाउंट नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे आप कस्टमर आईडी इंटर करेंगे और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे।
सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आप नीचे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे पिन सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको चार अंकों का कोई यहाँ पे अपने मर्जी का चार अंकों का यहाँ पे आपको पिन सेट कर लेना है और यहाँ पे आप रीएंटर करेंगे एम पिन। तो यहाँ पे आपको रीएंटर कर देना है एम पिन। एम पिन एंटर करने के बाद अब आप नीचे सेट एम पिन पे क्लिक करेंगे। सेट एम पिन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे एम पिन सेट हो जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आप यहाँ पे ओटीपी इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद अब आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एम पिन इंटर करेंगे जो आपने एम पिन सेट किया था। करते ही आप सक्सेसफुली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। इस एप्लीकेशन पे आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहां से मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में और यहां से आप रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं मनी के लिए और यहां से आप पे बिल भी कर सकते हैं और यहां से आप भीम यूपीआई आईडी के जरिए भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड को जनरेट करने के लिए यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रुपया डेबिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड को जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको ₹25 का यहाँ पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो भी ₹25 हैं वो आपके अकाउंट से कटेंगे। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट करने के लिए आप यहाँ बॉक्स पे टिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको वैलिडिटी यहाँ पे मंथ देखने को मिल जाएंगे, तो कितने महीने के लिए आपका यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 मंथ। तो अब आप नीचे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, आप यहां पे ओटीपी इंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। आप उस वर्चुअल डेबिट कार्ड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी भी एप्लीकेशन पे आप उस वर्चुअल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपका ये अकाउंट लिमिटेड केवाईसी अकाउंट है, इस अकाउंट को फुल केवाईसी अकाउंट में कन्वर्ट कराने के लिए आपको एक साल के अंदर आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाके इस अकाउंट को आपको फुल केवाईसी अकाउंट में कन्वर्ट करा लेना है। तो ऐसे दोस्तों आपने मोबाइल फोन से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो को लेकर कोई क्वेश्चन करना है आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।